कालेश्वर का ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आगामी सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन करने में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ ना हो। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए एक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है जिसके दिसंबर माह तक निर्मित हो जाने की पूर्ण संभावना है। उस कॉरिडोर के अतिरिक्त एक जो सामान्य प्रवेश द्वार है वो पृथक से रहेगा और इसके अतिरिक्त भी जो श्रद्धालुओं की भारी संख्या होगी उनको दृष्टिगत रखते हुए मंदिर में अनेक प्रवेश द्वार रखे जाएंगे और उनके निकास की भी समुचित व्यवस्था होगी। मंदिर में श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए विभिन्न काउंटर्स लगाए गए हैं जिसमें प्रसाद, जो लड्डू प्रसाद यहाँ का प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद माना जाता है और उसके उसको बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं में उसे पसंद किया जाता है, तो उसके काउंटर्स होंगे। श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क अन्न क्षेत्र की व्यवस्था की गई है जिसमें लगभग 2,500 लोग प्रतिदिन वहाँ निःशुल्क भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए और इस संख्या में वृद्धि हो सकती है उसके लिए भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा 2 अतिथि गृह भी यहाँ संचालित हैं, उनमें जो कक्ष हैं उसमें ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा है। इसके अतिरिक्त दर्शन पूजन के लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएँ हैं, अभिषेक पूजन इन सब के लिए पृथक पृथक राशि शुल्क की व्यवस्था है और वो जमा कराकर श्रद्धालु पूजन करा सकते हैं और जाप वगैरह करा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की पृथक से व्यवस्था की गई है ताकि शुद्ध और ठंडा पेयजल उसमें उपलब्ध हो सके। छाया पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जो जो सूचनाएँ हैं जो श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक हैं वो उपलब्ध हो सकें उसके लिए इफ़ेक्टिव PA सिस्टम यहाँ लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो श्रद्धालुओं के सुलभ दर्शन के लिए मार्गदर्शक, संकेतक ये सब लगाए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंदिर प्रबंध समिति द्वारा पृथक से भी अपनी निजी सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा सैनिक तैनात हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस का व्यापक प्रबंध रहेगा और पुलिस चौकी भी मंदिर की पृथक से संचालित है। भगवान महाकालेश्वर की जो प्रातःकालीन आरती होती है वो भस्मारती के नाम से जानी जाती है और ये प्रातः 4 बजे से प्रारंभ होती है और 6 बजे तक भस्मारती होती है। मंदिर में अन्य आरतियां भी होती हैं जो समय समय पर प्रातः 10 बजे, सायं 7 बजे, इस तरह कुल 6 आरतियाँ होती हैं, 6 पूजन होते हैं। जूता चप्पल स्टैंड, क्लॉक रूम ये 24 घंटे संचालित होते हैं। निःशक्त जनों के लिए भी हमारे समिति द्वारा व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मेडिकल की व्यवस्था भी है, चिकित्सा सुविधा महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। एम्बुलेंस, मोक्ष वाहन और चलित चिकित्सालय की व्यवस्था इस मंदिर समिति द्वारा की गई है। श्रद्धालुओं के लिए विशेष दर्शन सुविधा भी की गई है जिसमें श्रद्धालु जिन्हें शीघ्रतापूर्वक दर्शन करना है वो 151 रुपये का शुल्क जमा कराकर विशेष दर्शन टिकट प्राप्त कर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। एक तीर्थ दर्शन बस भी संचालित की जा रही है जो उज्जैन में स्थित विभिन्न मंदिरों का और दर्शनीय स्थानों का 2 बार 2 चक्र में प्रातःकाल और अपराह्न 2 बार भ्रमण करके और श्रद्धालुओं को दर्शन कराते हैं। महाकालेश्वर मंदिर की एक पृथक से वेबसाइट भी है जिसमें 24 घंटे ऑनलाइन दर्शन की सुविधा है, उस वेबसाइट का भी श्रद्धालु उपयोग कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि ऑनलाइन प्रसाद भी कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है।